हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -2, 3 एंड रेडियस 4 यूनिट। यानी उस सर्कल का इक्वेशन बताना है क्या होगा जिसका सेंटर -2, 3 है और रेडियस क्या आपका 4 यूनिट है। डायग्राम से देखिए, जैसे कि ये आपका सर्कल है ना, इसका सेंटर है -2, 3 और रेडियस है आपका 4 यूनिट। तो इस सर्कल का आपको क्या बताना है, इक्वेशन क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी में जाएंगे कि जब किसी सर्कल का सेंटर था आपका क्या x1, y1 और रेडियस था आपका r, तो वैसी स्थिति में उस सर्कल का इक्वेशन होता था x-x1² + y-y1² = r². क्या होता था, x-x1² + y-y1² = r², जहां x1 और y1 सेंटर था और r क्या था आपका रेडियस था। तो इसी फॉर्म पर जो है ये क्वेश्चन जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि दिए गए सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल इज x-x1² - y-y1² = r². तो यहां गौर से देखिए, इसका सेंटर क्या हो गया x1, y1 और रेडियस हो गया r। तो चूंकि हम लोगों को क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दोनों गिवन है, यहां पे लिखेंगे सिंस सेंटर क्या है -2, 3 और रेडियस हम लोग को दिया गया है ना, रेडियस क्या दिया गया है 4 यूनिट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए यहां पे क्या, ये गिवन पार्ट है आपको दिया गया है, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा x-x1, तो x1 की जगह पर कौन जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y-y1, तो y1 के जगह पर क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो y-3 का होल स्क्वायर और रेडियस के जगह पर किसको लिखेंगे 4 को, तो 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर + y-3 का होल स्क्वायर = 16। आप इस रूप में भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे आगे और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a² + b² + 2ab लिखेंगे 4x, यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा 6y, इधर हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए यहाँ पे x² + y² फिर यहाँ पे 4x वाला टर्म लिखिए 4x, यहाँ पे y वाला टर्म लिखिए तो -6y, फिर देखिए यहाँ पे 9 + 4 = 13 और 13 को जब इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा -13, तो हो जाएगा 3। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन, किसके लिए, तो उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर -2, 3 पे होगा और आपका रेडियस 4 होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ठीक उसका उल्टा है कि फाइंड द सेंटर
एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ये आपको कोई सर्कल गिवेन है ना, तो इस सर्कल का आपको क्या बताना है, सेंटर और रेडियस क्या होगा। देखिए ये आपका एक रफ डायग्राम है सर्कल का, देखिए तो जब सर्कल का सेंटर x1 कॉमा y1 लेते थे, रेडियस r लेते थे, इसका इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त था x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हम लोग को पता है पहले से ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण को इस समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि x1 के जगह पर क्या नंबर आया है और y1 के जगह पर क्या नंबर आया है। तो x1 और y1 जब कंपेयर करने के बाद मिल जाएगा तो वही तो हो जाएगा हम लोग का सेंटर। उसके बाद यहाँ पे 36 है, तो 36 जो आपका 6 का स्क्वायर है, तो रेडियस हम लोगों को वहां से मिल जाएगा, आर का वैल्यू 6 मिल जाएगा, वो हो जाएगा रेडियस। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए लिखेंगे गिवन सर्कल इज एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इस फॉर्म में, प्लस y माइनस थ्री इक्वल टू y माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर है ना। तो इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन वन विथ द इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम लोग इक्वेशन वन को किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को x1 के जगह पर दिख रहा है माइनस पांच और y1 के जगह पर दिख रहा है थ्री और r के जगह पर सिक्स दिख रहा है ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर x1 का वैल्यू मिला माइनस फाइव, y1 का वैल्यू मिला थ्री एंड रेडियस मिल गया सिक्स। तो देयरफॉर सेंटर हो गया आपका, सेंटर हो गया माइनस फाइव कॉमा थ्री एंड रेडियस हो गया आपका, रेडियस हो गया आपका कितना, सिक्स यूनिट्स। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो वीडियो को नोट करके, सॉरी वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन चार से पांच क्वेश्चन काफी है सर्कल के लिए, उसके बाद पैराबोला पढ़ाएंगे। द फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस 45 इक्वल टू जीरो। यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्या बोला है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। ये सर्कल का क्या है, इक्वेशन दिया गया है और कहता है कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा हमको बता दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है या फिर जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग देखे थे उसमें कि जब किसी सर्कल का सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होता था और रेडियस होता था रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
सर्कल का जो इक्वेशन होता था वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसको कि हम लोग सर्कल का जनरल इक्वेशन बोले थे या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले थे। ठीक है, ये चीज है, कोई भी इक्वेशन है सर्कल का उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड या फिर जनरल इक्वेशन बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, यानी इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, है ना, सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जी और एफ, जी एफ और सी के जगह पर क्या मिल रहा है। तो जी एफ और सी के जगह पर क्या मिल रहा है, जैसे ही जी एफ और सी का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा उसको इसमें पुट कर देंगे, वही हो जाएगा सेंटर और रेडियस सर्कल का। तो देखते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो दिया गया है, देखेंगे गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में, तो प्लस प्लस है तो प्लस देंगे टू इंटू। अब सवाल है कि यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करें कि इतना पूरे, है ना, तो देखिए यहाँ प्लस दे दिए हैं तो क्या देना होगा हम लोगों को, जी के जगह पर, ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए, तो माइनस टू देना होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो गया एक्स, देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया टू इंटू टू फोर हो गया, इसी चीज को हम लोग मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, है ना। अब फिर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, टू है तो टू देंगे, और उसके बाद एफ के जगह पर क्या दे ताकि यहाँ माइनस आ जाए, तो माइनस फोर देना होगा, और यह हो गया वाई, तो वाई हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस।